Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसके अंदर अपन कई सारे क्वेश्चंस कवर अप करते हैं, कुछ करंट अफेयर के ज्यादातर और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के, ताकि आपके एग्जाम में, आपके पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में भी आपके बिल्कुल सही सवाल आप पेपर में कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेडी से, जबकि आपका मैंने कल आपको दिया था उससे, और उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, पहला आपका सवाल था, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के जीरो माइल केंद्र के रूप में भी जाना जाता है? जीरो माइल केंद्र कहां पे दोस्तों? आपका आंसर बिल्कुल सही था, नागपुर को जाना जाता है। जीरो माइलस्टोन एक्चुअली में 1907 में नागपुर महाराष्ट्र में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान ब्रिटिश द्वारा निर्मित एक स्मारक है, एक खंबा है जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, और एक अन्य छोटा पत्थर जो जीटीएस स्टैंडर्ड बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर जीटीएस जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है उसके बारे में बताता है ये, और कुल मिला के ये बताता है कि अपने यहां से माइलस्टोन जो है ये जीरो है, यहां से ही आपको काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है कोई भी चीज का, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना परिसर आईआरईपी का उद्घाटन किया? आईआरईपी के उद्घाटन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसको कहां पे किया गया है? कोची के अंदर इसको किया गया है, तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, आईआरईपी का उद्घाटन कोची के अंदर किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आईआरईपी एक आधुनिक विस्तार परिसर होगा जो कोची रिफाइनरी को विश्व स्तर के मानकों के साथ भारत में सबसे बड़ी पीएसयू रिफाइनरी में बदल देगा। स्वच्छ ईंधन के उत्पादन के लिए इसको बनाया जा रहा है, एलपीजी डीजल के भी उत्पादन को दुगना करेगा, ओके, और कई सारे पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए फीड स्टॉक का भी उत्पादन शुरू करेगा। तो कोची के अंदर स्टार्ट किया गया है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर एक मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 लॉन्च किया, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य आकर्षण को उपलब्ध कराने के इरादे से था? तो RDP इंडिया 2019 रिपब्लिक डे परेड 2019 जो स्टार्ट की गई एप्लीकेशन, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों करी गई है, तो बी आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करी थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तकनीकी कपड़ा पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन स्थल है? तो अगर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल 2019 कॉन्क्लेव की बात करूं तो दोस्तों उसको मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया है, तो ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। आप देख सकते हैं स्मिता ईरानी जी टेक्सटाइल मिनिस्टर है अभी, यह भी आपको मालूम है। निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 का विजेता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बात भी करी थी, और आंसर क्या होगा? साहिना नेहवाल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे उन्होंने किसको, कैरोलिना मैरिन को, जो फाइनल के अंदर इनका कॉन्टेस्ट था, कैरोलिना मैरिन जो कि
स्पेन से है, उनको रिटायर होना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरी, उनकी इंजरी हो गई थी उसके वजह से। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। कौन सा शहर वेलमल ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इंटरनेशनल महिला ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन स्थल है? इंटरनेशनल वुमेन ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट कहां पे हुआ है दोस्तों? ये चेन्नई के अंदर आयोजित कराया गया है। तो ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने किस राज्य में अटल सेतु का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अटल जी के ऊपर जो दो चीजें हुई है सभी इंपॉर्टेंट है, और अटल सेतु कहां पे? गोवा के अंदर बनाया गया है। आपको मालूम है सीएम कौन है? मनोहर परिकर जी सीएम है, और गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा जी है, जो कि अभी गोवा के अंदर गवर्नर है। तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। किस भारतीय रेलवे ने देश में स्वच्छता के लिए नंबर एक स्थान हासिल किया है? नंबर एक स्थान स्वच्छता के अंदर किसको मिला है ये आपको बताना है। ठीक है, और आंसर क्या होगा आपका? सदर्न रेलवेज आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या आंसर है आपका यहां पे? सदर्न रेलवेज। तो सदर्न इंडियन रेलवेज भी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं नंबर वन पोजीशन क्लीननेस के अंदर देश के अंदर इनको मिली है। ओके, चलते हैं। जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट, जापान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पेपर के अंदर इस तरीके के सवाल जो है वो आते हैं, जो नेम से डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंट के वो पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बताइए, और यहां पे अगर मैं बात करूं जापान की, तो डाइट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डाइट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, आप देख लेते हैं यहाँ की जो लोअर है। ठीक है, यहाँ पे जापान की जो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है, जो किसके अंदर? एक तो लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और अपर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा है और लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है? लोकसभा है। उसी प्रकार से यहाँ के इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन पगोडा की भूमि कहा जाता है? गोल्डन पगोडा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोल्डन पगोडा की बात करें तो ये वहां पे मनाया जाएगा, पगोडा वहां बताते जहां पे बुद्धिज्म ज्यादा होता है, और आपको मालूम है दोस्तों 70-80% बुद्धिस्ट कंट्री है म्यांमार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ठीक है, म्यांमार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से कई सारे पगोडाज हैं जो कि वहां पे बनाए गए हैं, और इसी वजह से बर्मा को, म्यांमार को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ पगोडा भी कहते हैं। नेपिदोस की राजधानी है आपको मालूम है, और करेंसी क्या चलती है म्यांमार की? कायट है, जो कि यहाँ की करेंसी है। ओके, और अभी यहाँ पे जो हेड है वो आपको मालूम है सुयू की है, जो कि यहाँ के काउंसलर, स्टेट काउंसलर के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? रंगून, जो आज यंगून के नाम से जानी जाती है, वो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, तो और प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट है, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, स्टेट काउंसलर सुयू की, मैंने आपको बताई दिया है। चलिए दोस्तों आगे इधर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। किसने न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2019 जीती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और उम्मीद करता हूं आप इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में दोस्तों 4 फरवरी से आपको मालूम है आपका नया शेड्यूल आ चुका है, तो जी जान लगा दीजिएगा प्रिपरेशन करने के अंदर। आने वाले 6 महीने के अंदर अपने को कुछ भी हो जाए, कई सारी जॉब्स हैं जो उसके अंदर आपने फॉर्म फिलअप करा होगा, तो वो सारी लेनी है, और आपके पास में एक नहीं, आपके पास में ऑप्शंस होने चाहिए कि मुझे कौन सी वाली ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो 4 फरवरी से अपनी जी जान लगा दीजिएगा, मेहनत करेगा, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सुबह 8 बजे वाला जो करंट अफेयर है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, 8 बजे से अपन स्टार्ट करेंगे, 8 बजे वाली 4 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं वापस, और सुबह 5 बजे वाली 2 क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, 8 बजे वाली क्लास आपके आने वाले सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।